मनुस्मृति से लेकर ब्रिटिश आने तक कोई दलित अपने हाथ में हथियार नहीं लेता था, क्योंकि उसको प्रोहिबिशन था। शिवाजी की सेना में तो दलित थे, तो शिवाजी की सेना में नहीं, मैं बोलता हूँ मैडम, शिवाजी के वक्त क्या हुआ और पेशवाओं के साथ क्या हुआ, मैं दोनों बोलता हूँ। शिवाजी के वक्त तो दलित थे, लेकिन पेशवा के वक्त पीछे तो झकू लगाए, मुंह को तो वो सूखने के लिए वो मंडी लगाए। महार रेजिमेंट का नहीं, राजपूत रेजिमेंट है। महार और मराठों में फूट डालने के लिए देश में दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हो रही है। मैंने पहले ही बोला है, कुछ जिसको जो बोलना दे रही हूँ, मतलब मर्यादित तरीके से हर कोई अपनी बात उठाए। कुछ फैसिस्ट वादी शक्तियां दलितों को समाज में सबसे नीचे पायदान पर रखना चाहती है। ऊना रोहित वेमुला अब भीमा कोरेगांव की हिंसा दलितों के प्रति अत्याचार के उदाहरण है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार बढ़े हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि दलित जब कभी अब स्वाभिमान से जीने के लिए उठते हैं और अपना स्वाभिमान जब उनका जागृत होता है, तो वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें चंद लोग इंटरफियर करके या उचका के चंद लोगों को उस कार्यक्रम को विफल करने का और समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं, और वही आज भीमा कोरेगांव में हुआ है। चंद लोग जो इस 1818 का जो वहां पर एक दलित सैनिक जो थे, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, उसके याद में वहां एक स्मारक है। वहां पर हर साल दलित लोग जाकर उसमें शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब तक वो घटना नहीं हुई, अहितकर घटना कोई नहीं हुई, लेकिन आज जो परसों हुआ, ये क्यों हुआ, किसने इसमें इंटरफियर किया, किसने उसको प्रोत्साहित किया, किसने उसको इंस्टिगेट किया, ये हमको सोचने की बात है। और जब दलित लोग सैनिक में भर्ती होना या आर्मी में भर्ती होना, ये तो हजारों सालों से प्रतिबंध था, क्योंकि कोई दलित हथियार अपने हाथ में नहीं ले सकता था। हजारों सालों से प्रतिबंधित मुझे तो नहीं। अरे वो देखिए हमारे देश में मनुस्मृति से लेकर ब्रिटिश आने तक कोई दलित अपने हाथ में हथियार नहीं लेता था, क्योंकि उसको प्रोहिबिशन था। शिवाजी की सेना में तो दलित थे, तो शिवाजी की सेना में मैं बोलता हूँ, चाहे जो स्टेटमेंट अरे मेरे पास पूरा है मैडम, शिवाजी के वक्त क्या हुआ और पेशवाओं के साथ क्या हुआ, मैं दोनों बोलता हूँ। शिवाजी के वक्त तो दलित थे, लेकिन पेशवा के वक्त पीछे तो झाड़ू लगाए, मुंह को तो वो सूखने के लिए वो मंडी लगा, और उसमें मालूम है ना। फिर उसी लिए जब ये चीजें पेशवे ने करते थे, उनको वहां से शिवाजी के बाद में वो सैनिक में भर्ती होने का प्लान था, तो उसके बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो बैन उठाया गया और उन लोगों को भर्ती करने का, सिर्फ मार रेजिमेंट का नहीं,
राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है। खड़गे जी, आपके पास जल्दी रखिए। लेकिन कोरेगांव में जो हो गया, दूसरे किसी का नाम लेना पड़ेगा। समाज में समाज में डिवीजन करने के लिए, वहाँ पर महार और मराठों में फूट डालने के लिए, वहाँ के जो कट्टर हिंदुत्ववादी है और आरएसएस के लोग हैं, इसके पीछे उनका हाथ है। लोग ये काम करवाया है और मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, खुद शरद पवार जी वहाँ के पूना में रहते हैं, उन्होंने ये कहा। और मैडम स्पीकर, आप सुनिए, जो दलितों पे, नहीं नहीं, आप, मैं इतने उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन उतना समय नहीं है, नहीं है। लेकिन गुजरात से ऊना में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, नहीं होना चाहिए आपके भावना नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड एंड ही शुड इंक्वायर दिस, नॉट द स्टेट, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हियर द प्राइम मिनिस्टर कम एंड मेक ए स्टेटमेंट। आई डिमांड, इट इज माई डिमांड, बिकॉज ही ऑलवेज कीपिंग क्वाइट व्हेन सच इंसिडेंट्स आर हैपनिंग। He is not taking any action. He is a mum. And he is a mum. He used to say, Adar, Moni Baba. He is a Moni Baba regarding Dalits.